हेलो एवरीवन, वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, मेंटर एजुकेटर एंड करियर कोच। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लेसन ऑफ ज्योग्राफी। सो द चैप्टर इज ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से बोर्ड में पहला क्वेश्चन आ सकता है एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हो या फिर यूपीएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं दोस्तों, समझ लीजिए 25 करोड़ वर्ष। ये जस्ट इमेजिन, यहाँ पे 2 मिनट लिया, सोचिए कि 25 करोड़ वर्ष कितना होता है ना, इतने साल लगते हैं। सूर्य भी परिक्रमा करता है, आपको आज तक पता होगा कि सूर्य परिक्रमा नहीं करता है, लेकिन आज हमने आपको बताया कि सूर्य भी परिक्रमा करता है। आपको लगता होगा सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, लेकिन आज आपको एक नया ट्विस्ट मिला जो कि स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दूसरी बात करते हैं। सेकेंड लेवल पे अंतरिक्ष यात्री को आकाश तरंग कैसा दिखाई देता है। जब कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करने जाता है तो उसको आकाश तरंग, आपको आकाश तरंग कैसा दिखाई देता है, जरा आप बताइए मुझे। 1 मिनट का टाइम दे रहे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखिए कि आकाश तरंग आपको कैसा दिखता है। अच्छा, आपको आकाश तरंग नीला दिखता है, वेरी गुड। तो लेकिन अंतरिक्ष यात्री, जिस दिन आप अंतरिक्ष की यात्रा करने जाएंगे, जेब में खूब सारा पैसा होगा, गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, उस दिन आप अंतरिक्ष की यात्रा करने जाइएगा, आपको आकाश तरंग जानते हैं कैसा दिखेगा, काले रंग का दिखेगा, काले रंग का, आप कभी नहीं बोलेंगे आप। आइए थर्ड नंबर पे, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, हमारा अंतरिक्ष मतलब कि हमारा आकाश गंगा, उसके अंदर तारामंडल की बात हो रही है। तो आकाश गंगा में कुल 89 तारामंडल हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो ब्रह्मांड के टॉपिक से बन सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान स्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका भी देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, एक ऐसा एलिमेंट था छोटा सा, आप इसको पार्टिकल कह सकते हैं, किसी चीज से बना हुआ मेटल का पार्टिकल था। इस पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी थी। क्या थी? ग्रेविटी। इंग्लिश मीडियम वाले ग्रेविटी इसको समझते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसको गुरुत्वाकर्षण समझते हैं। क्या समझते हैं फटाफट से बताइए, गुरुत्वाकर्षण, वेरी गुड। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, देखिए इसके अंदर इतनी ग्रेविटी थी कि बाहर की ब्रह्मांड की सभी चीजों को अपनी ओर इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा था। देखिए, इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा था सारी चीजों को, बहुत सारे पार्टिकल इसमें अट्रैक्ट होते हुए चले आए। ये देखिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होते ही चले जा रहे हैं, खूब सारे पार्टिकल इस तरीके से, इतना बहुत विशाल सा ये एक झुंड बन गया, बहुत सारे पार्टिकल और मेटल्स का। अब ये विशाल बहुत सारा मेटल का झुंड बन गया, तो इसके अंदर ग्रेविटी फोर्स बहुत बढ़ने लगा। जब ग्रेविटी फोर्स इसमें बहुत सारा बढ़ने लगा, तो ग्रेविटी फोर्स बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर इतनी एनर्जी पैदा हो गई, इतनी एनर्जी पैदा हो गई कि इस एनर्जी का जानते क्या हुआ, इस एनर्जी की वजह से इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने की वजह से इसको महाविस्फोट का सिद्धांत आ गया दोस्तों। और विस्फोट होने के कारण कुछ टुकड़े इधर हो गए, कुछ टुकड़े इधर बिखर गए। जैसे कि आप किसी बम या पटाखे को फोड़ते हैं तो अलग अलग उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, उसी तरीके से इसके भी टुकड़े अलग अलग बिखर गए। और टुकड़े बिखरने की वजह से कहीं पर कुछ ग्रहों का निर्माण हुआ, है ना, कुछ ग्रह बन गए, कुछ उपग्रह बन गए, और कुछ कॉमेट्स बन गए, है ना, कुछ और एस्ट्रॉयड बन गए, मतलब शुक्र ग्रह बन गए, कुछ तारे बन गए, इस तरीके से बिखर गए और ये अलग अलग बन गए, जिसको हम लोग अलग अलग पृथ्वी की संरचना में या ब्रह्मांड की संरचनाओं में हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। इसे ही दोस्तों महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी हम लोग इंग्लिश में इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके का वीडियो और एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।